नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सूर्यांत प्रशांत अवस्थी यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपने केबीएस की इंटरव्यू की प्रिपरेशन में। ये इंटरव्यू सीरीज का तीसरा वीडियो होने वाला है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हर एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे ये हॉबी का सेक्शन आपके लिए एकदम टॉपर बना देगा या आप एवरेज रहने वाले हैं, ये यहीं से डिसाइड होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये कैसे डिसाइड होगा, तो सबसे पहले मैं उसका एक उत्तर दे देता हूं। दोस्तों, किसी भी इंटरव्यू में आपके नंबर कितने अच्छे आएंगे ये डिसाइड करता है कि आप जो इंटरव्यू वाला रूम है उसमें ज्यादा से ज्यादा कितनी देर बिता चुके हैं। अगर आपसे पहले वाला या मोस्टली ऑन एवरेज लोग 15 मिनट या 20 मिनट में बाहर आए हैं, तो आपका सिर्फ एक ध्येय होना चाहिए कि आपको उस रूम में कम से कम 30 मिनट और 35 मिनट रहना है। जितना ज्यादा आप टाइम उस रूम में रहेंगे उतने ज्यादा आपके नंबर बढ़ने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। ये चीज नोट डाउन करके रख लीजिएगा। और ये तीसरा जो वीडियो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी कॉमन चीजें हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ये सब स्टूडेंट बोलेंगे और ये एक ऑन एवरेज मार्किंग पे ही जाएंगे। पर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एकदम लेटेस्ट हॉबी जो आपको कम से कम 8 से 10 मिनट एक्स्ट्रा देगी उस रूम में रहने के लिए, ये बताने के लिए कि आई एम द परफेक्ट कैंडिडेट, मेरे अंदर ये स्किल्स है, सामने वाले को इंटरटेन करना है। मोस्टली काम होता है सामने वाले को इंटरटेन करना और उसे कन्विंस करना उसके पूछे हुए क्वेश्चन के उत्तर बता बता कर कि मैं सबसे बेस्ट हूं, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो की। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों अभी जाइए सब्सक्राइब करिए और ऑल के बटन पर क्लिक करिएगा, क्योंकि पूरी जो इंटरव्यू की सीरीज होने वाली है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। तो दोस्तों बात करेंगे बेस्ट हॉबी और लेटेस्ट हॉबी की थोड़ी देर बाद। सबसे पहले बात करते हैं उन कॉमन हॉबीज की जो मोस्टली स्टूडेंट बोलते हैं और वो एक ऑन एवरेज मार्किंग करते हैं। पर अगर आपके अंदर भी ये हॉबी है तो निराश मत होइएगा। इन हॉबी के बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आपको कैसे रिप्रेजेंट करनी है। पर अगर हो सके तो इन दो हॉबी को जरूर अडॉप्ट करना। अगर आपके नंबर मान लीजिए 10 आ रहे हैं तो इन हॉबी को एड करने पर कम से कम 5 नंबर और बढ़ेंगे, ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो चलिए सबसे पहले कॉमन हॉबी की बात करते हैं। तो लोगों से पूछा जाता है कि आपकी हॉबी क्या है, तो वो बोलते हैं मेरी हॉबी है क्रिकेट खेलना या क्रिकेट देखना या फुटबॉल। ये बहुत कॉमन हॉबी है इंडिया में। समझिएगा कि 70 से 80% जो लोग हैं वो क्रिकेट देखते हैं और करीब 20% लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल देखते हैं। तो अगर आपकी फुटबॉल हॉबी है खेलना या देखना, तो ये समझ लीजिएगा कि यहां से आपको इसमें कम से कम 2 नंबर का एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलेगा कि अगर आप क्रिकेट बोलते हैं या फुटबॉल बोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग क्रिकेट ही बोलते हैं। और क्रिकेट के बारे में वो आपसे बहुत जो कॉमन क्वेश्चन करेगा वो मोस्टली सबसे करेगा, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उन्हें भी पता होता है कि यार इसमें क्या पूछा जा सकता है, ये नॉर्मल चीजें हैं। तब भी अगर आपकी क्रिकेट हॉबी है तो 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए क्रिकेट की हॉबी है तो इंडिया टीम की क्या रैंकिंग होती है, कितने प्लेयर होते हैं, डे नाइट मैच मतलब कितने टाइप्स के मैच होते हैं, डे नाइट 20-20 टेस्ट, ऐसी कुछ कॉमन चीजें आपसे पूछ सकता है। पर अगर आप फुटबॉल इंटरेस्ट रखते हैं तो फुटबॉल में भी यही क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो अगर आपकी हॉबी फुटबॉल है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इंडियन टीम की रैंकिंग क्या होने वाली है, कितने प्लेयर होते हैं, कहां कहां प्लेयर लगाए जाते हैं, उनकी पोजीशंस क्या होती हैं, ऐसी चीजों पर गौर करिएगा। पर एक चीज फिर बोलूंगा, ये कॉमन हॉबी है, कोशिश करिए कि जितना हो सके इन्हें निग्लेक्ट करिएगा। इसके बाद मूवीज भी एक इतना पॉपुलर हॉबी है कि जिसका मन आता है जब कुछ नहीं याद आता तो वो मूवीज बोल देता है। मूवीज बोलना ठीक है, चल जाता है, क्योंकि वहां आपसे इंटरव्यूअर ये पूछने वाला नहीं कि भाई मूवीज क्यों, इसके अलावा भी बहुत हॉबी है, जो आप बताएंगे उससे क्वेश्चन जनरेट होगा। और इनसे कितने क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर आप किसी मूवी में अगर टाइम ले पाएंगे तो 2 से 3 मिनट के बाद यहां से क्वेश्चन जनरेट होना बंद हो जाएंगे और उसके बाद आप उस पर एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ मूवी के नाम बता दिए, एक्टर्स के नाम बता दिए, किसने बनाई थी, किस समय बनाई थी, यहां तक खत्म हो जाएगा। पर है बहुत बड़ा, बहुत विस्तृत टॉपिक है कि मान लीजिए आप 90s की मूवी बोल दे रहे हैं तो 90s वाले लोग ही बैठे हैं, वो भाई साहब इतना क्वेश्चन पूछेंगे कंफ्यूज हो जाओगे आप खुद। अगर आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली बोलिएगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। रीडिंग बुक्स एक बहुत ही कॉमन हॉबी होती है क्योंकि मोस्टली लोग रीडिंग बुक्स ही करते हैं, उसके बारे में थोड़ा राइटर पूछ लेगा। हाँ, अगर आप इसमें ये बोल देंगे कि मुझे बुक लिखना पसंद है, तो अगर आपने कुछ बुक लिखी अगर ओरिजिनल है तो जरूर बोलिएगा, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वहां पर काफी देर आप
इंटरव्यूअर का टाइम ले सकते हैं, आप अपने आप को बता सकते हैं कि आप कैसे किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं और आपके अंदर स्किल्स क्या है। अगला आता है टीचिंग। टीचर जिस जॉब के लिए जाओ उसका, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब होती है तब तो ये चल जाता है कि मैं अगर सेल्स ज्वाइन कर रहा हूं तो मैं सेल्स में अच्छा हूं। पर केवीएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सिलेक्ट ही हुए हैं टीचिंग के लिए, बट उन्हें चाहिए क्या, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज चाहिए है, और इस एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में कि आप बच्चों को क्या सिखा सकते हैं। उनके पास इसका स्टाफ रहता है पर ये मैटर नहीं करता, कहीं ना कहीं आपको उन्हें इन्फ्लुएंस करना होता है। तो ये कुछ ऐसी कॉमन हॉबीज हैं जो सभी लोग बोलते हैं, पर मैं आपसे कहूंगा कि आप हो सके तो इनके अलावा कोई अदर हॉबी सिलेक्ट करें। आगे मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे ज्यादा से ज्यादा टाइम लेना है। सपोज दैट आप बोल देंगे मुझे गाना गाना पसंद है। गाना एक अच्छी हॉबी होती है, कोई खराबी नहीं गाना गाने में, आप गा सकते हैं और इंटरव्यूअर आपको वहां गाने के लिए कह भी सकता है। तो अगर आपके अंदर जेन्युइन है तो आप जरूर करिएगा। इससे आप यहां पर अगर 2 से 3 मिनट ले रहे थे तो यहां से आप 5 मिनट ले जाएंगे, पर इसके बाद यहां पर भी खत्म। ऑन एवरेज अगर एक बंदा 15 मिनट इंटरव्यू रूम में टाइम बिता कर आया है तो आप बिता कर आएंगे और आपके अंदर कम से कम 3 से 4 नंबर का डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि इंटरव्यू ऐसा है, वहां पर ऐसा फिक्स नहीं कि आपको 100 क्वेश्चन दिए गए हैं तो 100 आपको हल करने हैं। जहां आपका जो 2-वे कम्युनिकेशन है वो ब्रेक होगा, जहां आपके पास चीजें खत्म हो जाएंगी बताने के लिए, वहां उनके पास पूछने के लिए चीजें खत्म हो जाएंगी, तो समझ लिए इंटरव्यू खत्म, आप एक एवरेज स्कोर करके आए हो। अब बात करते हैं बेस्ट हॉबी की, क्या हॉबी आपका ये इंटरव्यू सबसे ज्यादा बेस्ट कर सकती हैं। बात करते हैं बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। बस यहां पर आपको हॉबी थोड़ी सी एक्सचेंज कर देनी है, और जहां जैसे ही आप चीजों का एक्सचेंज करेंगे आप देखेंगे कि सामने वाले का इंटरेस्ट आप में बढ़ने लगा है। अगर गर्ल्स की बात करें कि हॉबी के अंदर क्या बोले, तो गर्ल्स आज की डेट में हर इंसान टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, टेक्नोलॉजी के बारे में जानता है, गाड़ियों के बारे में जानता है, ऐसी चीजें जानते हैं लोग। तो गर्ल्स अगर थोड़ा सा भी उन्हें माइनर इंटरेस्ट है किसी टेक्नोलॉजी जैसी चीज में या ऐप में या गेमिंग में या इन चीजों में, तो अगर आप ऐसी चीजें रिप्रेजेंट करते हो एज अ गर्ल, बॉयज के लिए ये एक कॉमन हॉबी हो जाती है। क्योंकि मोस्टली बॉयज गेमिंग पसंद करते हैं, टेक्नोलॉजी पसंद करते हैं, गाड़ियां पसंद करते हैं, पर गर्ल्स के लिए कॉमन हॉबी नहीं होती। इस कंडीशन में अगर गर्ल्स बोल दें कि मुझे टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानना पसंद है, पर इससे पहले एक चीज जरूर करिएगा कि जो ड्यूरेशन में आपके कुछ टेक्नोलॉजी नई आई हो या कुछ चीजें अपग्रेड हुई हो उनके बारे में जरूर जान लीजिएगा। और ये एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा इसमें कंटेंट नहीं है, अगर आप 2 से 3 घंटे भी सर्च कर लेते हैं तो ये मान लीजिए कि जीके करंट अफेयर पढ़ना और ये टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना बिल्कुल सेम होता है, कोई खास डिफरेंस नहीं होता। और ऐसे में इंटरव्यूअर का इंटरेस्ट आएगा कि आपको किस टेक्नोलॉजी के बारे में पता है। इन दैट केस अगर आप वाकई में थोड़ा बहुत अपडेट होके आए हैं तो दोस्तों यहां पर 5 से 7 मिनट तो आप ऐसे ही ले जाएंगे, और जब आप कुछ बोलेंगे तो उससे भी क्वेश्चन जनरेट होंगे। जरूरी नहीं है कि वो इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, वो भी कोई टेक्निकल स्टाफ आके वहां नहीं बैठा है जो आपसे एकदम इंजीनियरिंग की नॉलेज पूछने लगेगा कि वो सिविल का इंजीनियर होगा, वो किसी और सीएस का इंजीनियर होगा तो आपको ऐसी चीजें पूछने लगेगा, ऐसी नहीं, कॉमन सी चीजें पूछेगा। तो बस आपको कॉमन लेटेस्ट अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज के बारे में जान के रखना है। जैसे आजकल ईवी का बड़ा प्रचलन चल रहा है तो आप बोल सकते हैं कि मुझे जो लेटेस्ट कारें आ रही हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली उनमें मेरा एक्सप्लोर करने का बड़ा इंटरेस्ट होता है, उनके बारे में जानना मेरी एक हॉबी है। तो आपको पता करना है इसमें बैटरी कैसी पड़ती है, ये कैसे चलती है, कितना एवरेज देती है, 2-4 कारों के बारे में समझ लिया कि वो कौन सी बेस्ट होने वाली है, और मान लीजिए टेस्ला बहुत फेमस गाड़ी है, टेस्ला क्यों बेस्ट है कंपेयर टू, मतलब बहुत है लिमिटेड लेकिन बहुत इफेक्टिव एक इमेज बिल्डिंग ये आपकी स्ट्रेटजी होने वाली है। ये स्ट्रेटजिकल हॉबी बोलते हैं इन लोगों को कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा आप उस इंटरव्यू रूम में टाइम को बढ़ा सकते हैं। कुकिंग, फूड कुकिंग, ये एक गर्ल्स के लिए कॉमन हॉबी, हाँ, बट जब ये बॉय बोल देते हैं तो ये एक इंटरेस्टिंग हॉबी हो जाती है। क्योंकि मतलब इंडियन कल्चर हम लोग कितना भी अपडेट कर चुके हों, हर बंदा खाना बनाना जानता है, पर अगर बॉयज बोलता है तो कहीं ना कहीं सामने वाले के मन में इंटरेस्ट आता है। आप इमेजिन करिए जब आप कहीं 4 लोगों के बीच बैठे होते हैं तो आपके घर वाले कह देते हैं कि यार ये खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, उस कंडीशन में सामने वाला ही आपसे 10 क्वेश्चन कर लेता है कि क्या बना लेते हो, कैसे बना लेते हो। सेम वही चीज होने वाली है अगर बॉयज
कुकिंग बोल देते हैं किसी भी इंटरव्यू में और स्पेशली इस केवीएस के इंटरव्यू में, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि आपको कोरिलेट करना है, चीजों को दिखाना है, पर आपको वहां दिखाना तो है ही, वो आप दिखा चुके हैं, वो आप अपने इंट्रोडक्शन से बता देंगे, अपनी डेमो स्किल से बता देंगे, पर मोस्टली होगा कि आपके दिमाग में छप जानी चाहिए आपकी शक्ल, कि जब इंटरव्यूअर आपकी मार्किंग कर रहा हो उस कंडीशन में आप उसके दिमाग में होना चाहिए कि ये बंदा आया था, ये इतनी, और जितनी देर आप रहेंगे उतनी देर आपकी उसकी नजर में इमेज बिल्डअप होगी, क्योंकि जितना कम टाइम उतनी कम इमेज बिल्डअप, जितना ज्यादा टाइम उतनी ज्यादा इमेज बिल्डअप। तो और इसके साथ गर्ल्स और भी कर सकती हैं कि एडवेंचर्स उन्हें पसंद है, एडवेंचर टूरिंग उन्हें पसंद है, अगर वो कहीं गई हैं ऐसी कंडीशन में तो वो ये चीज बोल सकती हैं। पर आज की डेट में यूट्यूब पर इतना मटेरियल पड़ा है भाई, 4 वीडियो देख लो, कोई भी वीडियो देख लो, कहीं के हर एक चीज पता चल जाएगी क्या चीज कैसी है। और बाय द वे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ लें तो बोल दो मैं नहीं गया वहां, मुझे नहीं पता चला, या कुछ ऐसे भी बोल के आप उन क्वेश्चन से बच सकते हो। पर कुछ अलग रिप्रेजेंट करना है, मतलब जो मेल है उसको फीमेल की तरफ चला जाना है, जो फीमेल है उन्हें मेल की तरफ चला जाना है, और यही वो बेस्ट वे है जिससे आप सामने वाले के अंदर इंटरेस्ट जगा सकते हो। तो ये कॉमन हॉबी और ये कुछ एडवांस हॉबी जो बहुत कम लोग बोलेंगे, ये एकदम क्लियर है। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और दोस्तों अगर पसंद आया है तो अभी जाइए सब्सक्राइब करिए, ऑल पर क्लिक करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरव्यू की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्लास के साथ, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।